आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, समर सीजन चल रहा है और मैंगोस बहुत कॉमन है, तो मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ मैंगो शेक की, जो कि सबको बहुत पसंद होता है। तो कोई मेहमान आ जाए, आप उनको भी सर्व कर सकते हैं और आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको मैंगो शेक बनाना सिखाऊंगी आज। तो इसके लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है, सबसे पहले हमें मिल्क चाहिए। मैंने ऑलबर्स मिल्क लिया है, आप घर का दूध भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मैंगो लेके उसको क्यूब्स में काट लिया है, और उसके बाद आप किसी भी किस्म का मैंगो यूज कर सकते हैं। उसके बाद चीनी ली है मैंने थोड़ी सी, साथ में आइसक्रीम ले रही हूँ, मैंने मैंगो आइसक्रीम ली है। आप चाहें तो आप वनीला आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं इसमें। और एंड पे मैंने बादाम थोड़े से लेके उन्हें क्रश कर लिया है। आप चाहें तो आप, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऐड करें, वरना आपकी मर्जी, आप बेशक ना ऐड करें। अच्छा, मैं ये ब्लेंडर में बनाने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैं ये मैंगो लूंगी जो क्यूब्स मैंने किए हुए हैं, और आपने जितना बनाना है आपने उसके अकॉर्डिंग चीजें डालनी है। उसके बाद मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी, मैंने एक कप मिल्क ये ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें ये मैंगो आइसक्रीम ऐड करूंगी। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, ये भी बहुत ज्यादा नहीं मैं डाल रही, मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ, आप ऑलमोस्ट 2-3 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो अब हम इसको सर्व करने के लिए ग्लास रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं चॉप हुए हुए मैंगोस थोड़े से ग्लास के बॉटम पे डालूंगी इस तरह करके। उसके बाद मैं इसके बीच में मैंगो शेक डालूंगी जो हमने बनाया है। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें थोड़े से और मैंगोस ऊपर इस तरह करके डाल रही हूं। अब मैं इसके ऊपर आइसक्रीम का एक स्कूप डालूंगी, ये भी ऑप्शनल है, आप वनीला भी डाल सकते हैं, मैंगो भी डाल सकते हैं। और सबसे एंड पे मैं इसको गार्निश करूंगी जो हमने बादाम क्रश करके रखे थे। तो लीजिए, तैयार है मैंगो आइसक्रीम शेक।